वेलकम। इंटरव्यू सीरीज के इस दूसरे एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। रिजल्ट्स निकल चुके हैं, आप इंटरव्यू की तैयारी में लग चुके होंगे। पिछला जो एपिसोड हुआ था उसमें कुछ बातों पर चर्चा हुई थी, आपकी पर्सनैलिटी कैसी हो, कैसी है, इन दोनों के बीच के का अंतर कैसे पाटें। मैंने मिरर वाला उपाय बताया था, टू द पॉइंट अप्रोच हो, इस पर बात हुई थी। इसे आप विकसित करें अगले एक महीने में। क्वेश्चंस और टॉपिक्स के अलावा आप कुछ भी ना बोलें, आप अपने फ्रेंड्स या ऐसे जागरूक व्यक्ति जिनकी पर्सनालिटी से आप प्रभावित हैं उनसे बातचीत करें, ठीक ठीक किसी मुद्दे पर बात करें। आता हो तो दें, विथ रीजन दें, तर्कपूर्ण आंसर दें, ना आता हो तो सॉरी कहें। अगले एक महीने में अगर आप लगातार ऐसा करते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाएंगे। पर्सनालिटी की मूल बातें तो आपके अंदर जो हैं वही रहेंगी, लेकिन उन्हें आप निखार पाएंगे, कुछ गलतियों को सुधार पाएंगे, कुछ नई चीजें ला पाएंगे। इंटरव्यू में आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, वो ऑलरेडी हो चुका रिटन एग्जाम में। इंटरव्यू दरअसल पर्सनालिटी टेस्ट है, हाउ टू इम्प्रेस। जब आप बैंक या सरकारी दफ्तर में एक ऑफिसर के रूप में बैठेंगे तो सामने आने वाला कस्टमर आपसे प्रभावित होना चाहिए। आज ये उदारीकरण, लिबरलाइजेशन और वैश्वीकरण का युग है। पूरी दुनिया से कंपनियां, लोग आएंगे, जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है। उसमें जिस बैंक या इंस्टीट्यूशन में आप काम करते हैं उसके अधिकारी के रूप में आप एक कंपटीशन फेस करते हैं। कोई व्यक्ति लोन के लिए आया, हम उसे कैसे अट्रैक्ट करें अगर वो कैपेबल है लोन का रिपेमेंट करने के लिए। ऐसे कस्टमर को ना छोड़ें, अच्छे कस्टमर को लाएं, लोगों को जोड़ें। गवर्नमेंट की जो योजना है अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ने की, ताकि कैशलेस और आगे की ओर का सफर हो सके, उसमें बैंकों की जबरदस्त भूमिका है। उसमें आप अपनी भूमिका का निर्वाह कैसे करेंगे ये बोर्ड देखेगा, इंटरव्यू बोर्ड देखेगा। आपके बोलचाल की भाषा क्या है, आप बोलते हैं तो कितना इंप्रेसिव होता है, ये सारी बातें मायने रखेंगी। इस पर हमने चर्चा की थी, आगे भी करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि टॉपिक वाइज बातें आगे बढ़ें। सबसे पहले इस इंटरव्यू में, जैसा कि पिछली बार भी मैंने चर्चा की थी कि बायोडाटा पर कंसंट्रेशन होता है इंटरव्यू बोर्ड का, और बायोडाटा जो आपका अपना है उसको देखिए, उस समय चले जाइए जिस समय आपने बायोडाटा का जिक्र किया था, और सोचिए कि क्या आप सोच रहे थे। इस पर भी विशेष रूप से चर्चा होगी, लेकिन उससे भी पहले मैं सबसे पहले ये बात करना चाहता हूं कि रिजल्ट निकलने के बाद जो आपके आपकी प्रतिक्रियाएं आई हैं वो उत्साहवर्धक नहीं है, और बिना उत्साह के इंटरव्यू नहीं होता। मैंने पहले इंटरव्यू का जो हेडलाइन लिखा था उसी में था कि इंटरव्यू एक चांस है अपनी स्थिति को सुधारने का, इसलिए निडर रहिए। जो पहले हो चुका वो हो चुका, आगे आप क्या बेहतर कर सकते हैं, यानी रिटन में जो हो चुका हो चुका, इंटरव्यू में आप कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं ये सोचिए। चीजें तो लेन देन पर आधारित होती हैं, आपके अंदर क्षमता है, आप देना चाहते हैं। बैंक को अच्छे पर्सनालिटी चाहिए, वो लेना चाहते हैं, ये जहां मैच करेगा वहां सिलेक्शन होगा, तो इसमें परेशान क्यों होने का।
आप खुद को प्रस्तुत करते हैं कि बैंक के या इस संस्थान के इस पोस्ट के लिए मैं एक उपयुक्त कैंडिडेट हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं, इसकी जरूरत नहीं है। ये उन्हें सोचने दीजिए, मेरे अंदर क्या है जो इस पोस्ट के अंदर होना चाहिए, उसे आप सामने रखते हैं, दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जिसकी वो जांच करते हैं। तो आप अपना काम कीजिए ना, इंटरव्यू बोर्ड को अपना काम करने दीजिए, ये दोनों कहीं भी क्लैश नहीं करता। आपके अंदर एक सामान्य रूप से ये बात बैठती चली जाती है कि एग्जाम्स जो होते हैं वो छांटने के लिए होते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से चर्चा की, जो लोग रिटन पास करके भी आए, उनका पहला वर्जन होता है कि एग्जाम बोर्ड तो छांटने के लिए कहता है। मतलब उनका अप्रोच है, बैंक कहता है जाओ 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 जाओ, और हम कहते हैं ना हम आएंगे आएंगे आएंगे। बहुत गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये थिंकिंग आपको नकारात्मक सोच की ओर ले जाती है, ये सही नहीं है। जिस तरह से बैंक या उस संस्थान के उस पद की जरूरत आपको है, उससे कम उस संस्थान को आपकी जरूरत नहीं है। मतलब, अरे आप उस पोस्ट पर जाना चाहते हैं, आप सेवा देना चाहते हैं, सेवा मूल्य होती है, उसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता, वो पेमेंट उसका मूल्य नहीं है, इसलिए आप बहुमूल्य चीज देने के लिए सामने प्रस्तुत होते हैं। और बैंक और वो संस्थान उस पद पर अच्छे कैंडिडेट चाहते हैं, वो छांटना नहीं चाहते। इतना बड़ा एग्जाम प्रोसेस क्या इसीलिए आयोजित किया जाता है कि हम लोगों को छांटें? उन्हें अच्छे से अच्छे कैंडिडेट की जरूरत है, वो सेलेक्ट करते हैं कि कौन इस पद के लिए उपयुक्त है, और उपयुक्त कैंडिडेट को वो कभी नहीं छोड़ते। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरे एक प्रिय स्टूडेंट, उनका सिलेक्शन हुआ एक साथ दो बैंक एग्जाम में, एक कॉरपोरेशन बैंक पीओ में और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। लेकिन रिजल्ट पहले कॉरपोरेशन बैंक का आया, 2009 की बात है। तो जब पहले आया और कॉरपोरेशन बैंक एक अच्छा बैंक है, तो उन्होंने उसे ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने पर बॉन्ड भराया गया, तुरंत एसबीआई का फाइनल रिजल्ट आ गया पीओ का। अब वो एसबीआई में जाना चाहते थे, उन्होंने लिखा एसबीआई को कि मैं कॉरपोरेशन बैंक में हूं, कॉरपोरेशन बैंक को लिखा कि मैं उसमें जाना चाहता हूं। तो कॉरपोरेशन बैंक ने एसबीआई को कहा कि हम एक साल के बाद छोड़ेंगे, इस कैंडिडेट को रिलीज करेंगे। एसबीआई ने जवाब दिया कॉरपोरेशन बैंक को, हम इंतजार करेंगे। और नेक्स्ट ईयर जो वैकेंसी आई, उसका जो अपॉइंटमेंट हुआ, उसके साथ उस कैंडिडेट को बुलाया गया और लिया गया। क्यों? एसबीआई ये जानती थी कि जो कैंडिडेट एक साथ दो दो बैंक में पास करे, जो सफलतापूर्वक एक साल काम कर लिया हो, वैसा कैंडिडेट ढूंढना मुश्किल है। क्या अब आपको ये बात समझ में आ गई कि अच्छे कैंडिडेट को कोई बैंक कोई संस्थान छोड़ना नहीं चाहता, वो रखना चाहता है। अच्छा कैंडिडेट ये कहता है कि मेरा घर यहां है, मेरी पोस्टिंग कृपया वहां की जाए, अगर आप कैपेबल नहीं है तो आपकी बात सुनी नहीं जाती। लेकिन हमारे स्टूडेंट मौजूद हैं जो 4-5 साल के आसपास इसी एरिया में रह रहे हैं, और बैंक उनको रख रही है क्योंकि वो सबसे अच्छा सबसे ज्यादा कारोबार देते हैं सरकारी क्षेत्र में। समझ में आया? काम, परिश्रम, इसकी पूछ हर जगह है, इसलिए इससे कभी मुंह नहीं चुराना चाहिए। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम में विश्वास रखिए, परिश्रम में विश्वास रखिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर 4-5 घंटे सोते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जैसा परिश्रमी व्यक्ति हमारे सामने एक आइडियल के रूप में खड़ा है, और हमें भी कार्य करने की प्रेरणा देता है। हमें ये सीख लेनी चाहिए, परिश्रम
उससे प्यार करना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। काम में मन लगाएंगे तो परिश्रम करने का मन करेगा। तो जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी लगातार, उसने मुझे निराश किया। आखिर मैं इंडिविजुअली कितने को जवाब दूं? मैंने कहा मैं वीडियो एपिसोड में ही एक साथ जवाब दूंगा। कॉमन प्रतिक्रिया है, मेरा मार्क्स बहुत कम है, रिटन में तो बस किसी तरह से मैं पास कर गया हूं या कर गई हूं। देखिए, मैंने अभी तक 15 रिजल्ट देखे हैं, 15 में 12 लड़कियां हैं। मतलब सिचुएशन किस तरह से चेंज हो रहा है, देखिए 15 में 12 लड़कियां हैं। एक समय था जब 15 में एक लड़की होती थी, आज 15 में 12 लड़कियां हैं। ये माहौल बदल रहा है, ये बदलते समाज का सूचक है। हाँ, तो उनका जो कमेंट था कि मेरा मार्क्स तो बहुत कम आया है, इंटरव्यू देने से क्या फायदा, मेरा तो सिलेक्शन होगा नहीं, और ऐसा लगातार कमेंट है। इसका आंसर किसी भी दृष्टि से ले लीजिए, दो तीन भाग में। सबसे जो प्रमुख बात है वो ये कि अगर रिटन पास करने के बाद इंटरव्यू में आपको बुलाया गया है तो इसका मतलब आपके सफल होने की संभावना है, नहीं तो बुलाने का कोई अर्थ नहीं है। 80-20 का रेशियो होता है, 80 में लीड कितने को मिलती है? एक से दो नंबर पर तो सैकड़ों स्टूडेंट होते हैं। इंटरव्यू में 5 मार्क्स की लीड ले लीजिए तो कहां से कहां पहुंच जाएंगे। इंटरव्यू में पर्सनालिटी टेस्ट होता है, आप अच्छे से परफॉर्म कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, चाहे रिटन में कितना भी कम मार्क्स आया हो। यह सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू, तो क्या करेंगे, कम मार्क्स आया है तो इंटरव्यू नहीं देंगे, तो मत दीजिए। नहीं देने पर तो संभावना यूं ही खत्म, देने पर संभावना पैदा होती है, और आपको टेंशन भी नहीं होना चाहिए क्योंकि आप तो पहले से मानते हैं कि आपका मार्क्स कम था। इसके बावजूद यदि आपका सिलेक्शन हो गया, आप समझते हैं पूरे जीवन के लिए एक अमूल्य बात होगी। आपके जीवन में जब भी कोई काम करेंगे ये बात दिमाग में बैठ जाएगी कि आपकी पर्सनालिटी में दम है, जिसके बल पर आप बैंक के या सरकारी संस्थान के अधिकारी बने हैं। आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, ये जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा आपके साथ वो अमूल्य है, वो यूं नहीं पाया जा सकता। आपने लड़कर ये पद हासिल किया है अपनी मेहनत के बल पर, ये आपको हमेशा राह दिखाता रहेगा। आप ऐसा क्यों मानते हैं कि बैंक पीओ का जॉब नहीं मिलेगा तो क्या होगा? डिमोरलाइज मत होइएगा, मैं कहता हूं मिल ही जाएगा तो क्या होगा। अब बताइए, मिल ही जाएगा तो क्या होगा? यह अंतिम मंजिल नहीं है। क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यही सोच करके कि आप में आगे बढ़ने की कितनी इच्छा है, तमन्ना है। बैंक अधिकारी नहीं ही बने तो क्या हो गया, और बन ही गए तो क्या हो गया। दोनों ही दृष्टि से विचार कर लीजिए। नहीं बने, अरे एक रास्ता बंद होता है, दो खुलते हैं। ये नहीं वो सही, वो नहीं वो सही। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी जिस दिन पायलट की परीक्षा में असफल हो गए होंगे, उस समय उनको लगता होगा कि दुनिया में सबसे अभागा व्यक्ति मैं हूं, सबसे निराश व्यक्ति हूं, अब तो लगता है जीवन ही लुट गया। कितने निराश होंगे, जरा सोचिए, अगर सफल हो गए होते तो क्या होता। एक पायलट होते, एक अच्छा जॉब है, कोई भी जॉब कम नहीं होता, एक पायलट होते, लेकिन एक साइंटिस्ट नहीं होते, और संभवतः इस देश का राष्ट्रपति भी नहीं होते।
एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा खुलता है, दूसरा बंद होता है, तीसरा खुलता है। जो लोग परिश्रमी हैं, जिनका अपने 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 ऊपर विश्वास है, वो कभी हार नहीं मानते और असफलता भी उनका रास्ता कितना रोकेगी, अंततः हार मान लेती है और आपको रास्ता दे देती है। इसलिए जीवन में डिमोरलाइज होना छोड़ दीजिए। मार्क्स का माया है, आगे बढ़कर मार्क्स हासिल करेंगे। पर्सनैलिटी के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करेंगे, उन्हें सुधारेंगे और उस दिशा में एक महीने काम करेंगे। एक महीना कम नहीं होता, इस एक महीने में वारा न्यारा हो सकता है, क्या नहीं कर सकते आप। 3-4 महीने पढ़ करके आपने मेंस निकाल लिया रिटर्न, तो इंटरव्यू तो एक महीना बहुत है। मैं बताता हूं किस डायरेक्शन में आपको मेहनत करना है, उस डायरेक्शन में आप मेहनत कीजिए। सिलेक्शन नहीं होने का सवाल नहीं है, लेकिन काम चोरी नहीं, झूठ नहीं। एक अच्छे इंसान अगर हैं आप, आपके अंदर आपका नैतिक आचरण अच्छा है, एक अच्छे नागरिक आप हैं, आप झूठ नहीं बोलते, आप परिश्रमी हैं, तो आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। आपका सिलेक्शन होना तय है। उस डायरेक्शन में एक महीने काम करके दिखाइए, जो रास्ता मैं बताता हूं। इसलिए सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि मेरा मार्क्स कम आया है। जो आया आया, हो गया, जो हो गया उस पर आपका वश नहीं है, जो होने वाला है उस पर आपका वश है। उसमें भी कर्म आपके वश में है, कर्म फल नहीं। ये जो गीता का ज्ञान है, ये आपका मार्गदर्शन करेगा। आपका काम अगले एक महीने में इंटरव्यू के लिए अपने को झोंक देना है, जितनी मेहनत कर सकते हैं कीजिए। इसके बाद का रिजल्ट आप नहीं निकालेंगे, वो कर्म फल किसी और के हाथ में है, उनको उनका काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। तो अब मैं ये आशा करता हूं कि आप में से कोई भी निराश नहीं होंगे और समय के एक एक पल का आप इस्तेमाल करेंगे, उसे बर्बाद नहीं होने देंगे। एकेडमिक कैरियर, एक जो और बातें उभर कर सामने आई हैं कि मेरा एकेडमिक कैरियर अच्छा नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं, या फिर कोई बोल रहे हैं कि इतना अच्छा है कि मैं बोलना नहीं चाहता, मैं सीए कर रही हूं, कहा एक कैंडिडेट ने, लेकिन बाप रे उससे क्वेश्चन पूछेगा तो मैं कैसे जवाब दूं, तो ये मैं बोलती ही नहीं। एक ने कहा मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं या कर रही हूं, इंजीनियरिंग करते हुए बैंक में जाए, ये बोलना अच्छा नहीं लगता। किन्हीं का ये भी कहना था कि मेरा एकेडमिक कैरियर तो चौपट था, तो ये पूछेगा तो क्या जवाब देंगे। ऐसे तमाम सवाल जो आपके बायोडाटा से संबंधित हैं, जिनका आप सामना कर रहे हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। आपका क्वालिफिकेशन जितना ऊंचा होगा, बैंक या उस संस्थान के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, वो उतना ही लाभदायक होगा, फायदेमंद होगा। इसलिए ऐसे कैंडिडेट को प्रश्रय दिया जाएगा, उन्हें बढ़ावा मिलेगा। स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का एग्जाम होता है कि नहीं, वो सीधे क्लास 2 में जाते हैं। क्लास 1 में किसी को सीए मिल रहा हो, लॉ किया हुआ व्यक्ति मिल रहा हो, एमसीए किया हुआ व्यक्ति मिल रहा हो, एमबीए किया हुआ व्यक्ति मिल रहा हो, जिनके लिए स्केल 2 का एग्जाम होता है, उसको स्केल 1 के पोस्ट पर बहाल करने में बैंक को दिक्कत होगी? ऐसे कैंडिडेट को कैच कर लेंगे। अगर आप कोई महान गलती न कर दे इंटरव्यू में, तो साधारणतया आप 10 में से 5 क्वेश्चन का आंसर भी देंगे और कुछ ऐसा नेगेटिव आंसर नहीं देंगे, तो आपका सिलेक्शन होना लगभग तय है। आपने जो भी अचीवमेंट पाए हैं, जो भी आपके अचीवमेंट हैं, जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, उन्हें आप दिखाएं, उन्हें आप बताएं।
ये प्लस पॉइंट रहेगा। रहा सवाल क्वेश्चन का, तो एक तो इंटरव्यू बोर्ड में कोई सीए का स्पेशलिस्ट बैठा हुआ हो ये कोई जरूरी नहीं, कंप्यूटर साइंस का स्पेशलिस्ट बैठा हुआ हो ये कोई जरूरी नहीं, और अगर बैठा भी हुआ है तो क्या हुआ, क्या हुआ? जिसको आपने 4 साल पढ़ा हो, 2 साल पढ़ा हो, इंजीनियरिंग किए हो, 4 साल पढ़ा हो, उसके बारे में आप जानते नहीं है। थोड़ा सा पेज पलट लीजिए ना, पढ़ने की जरूरत नहीं है, हल्का सा। आप उससे परिचित हैं, सिर्फ आपको डर लगता है, उस डर को निकालिए। आपको आता है, सब कुछ आता है, आपने पढ़ाई की है, आपको मार्क्स अच्छे आए हैं, डरने की क्या जरूरत है? ये डर मन से निकाल दीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उस एरिया से क्वेश्चन किया जाए जो आपका अपना है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी कि जो आपका एरिया है वहां लेकर के आइए। जिनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, यस, जिनका नहीं है उनसे भी इकोनॉमिकल क्वेश्चन होंगे, जिनका है उनसे तो होंगे ही होंगे। ऐसे भी आर्थिक समस्याएं, आर्थिक स्थितियां दैनिक जीवन का हिस्सा है, और कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस पर क्वेश्चन नहीं आते। ये जो नोट वाला प्रकरण है, एक तरह से कैशलेस सोसाइटी की ओर जाना, इस पर अलग से हम लोग चर्चा करेंगे, इसलिए आज इस पर चर्चा नहीं करते, आगे करेंगे। जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स आएगा तो एक दिन वो टॉपिक होगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, आज उस पर नहीं करते। बायोडाटा जो आपका है उसको देखिए, उस पर बात कीजिए। आपका नाम, नाम का कोई अर्थ है क्या, वो देखिए, पूछा जाएगा। आपका बर्थ प्लेस, तो प्लेस और वो स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दीजिए, उसके बारे में जानने समझने का प्रयास कीजिए, वो आपसे पूछा जाएगा। फादर्स नेम, मदर्स नेम, उनके ऑक्यूपेशन, उनके बारे में सवाल होंगे, वो देखिए। आपका जो करेस्पोंडेंस एड्रेस है, वो एड्रेस, वो टाउन और वो स्टेट, उसके बारे में जानिए। सामान्य राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनके बारे में जानिए। कोई नेशनल मूवमेंट के लीडर, कोई बड़ी हस्ती आपके स्टेट से, आपके प्लेस से, बर्थ प्लेस से या लिविंग प्लेस से संबंधित हैं, तो उनके बारे में जानिए। ये जानने वाला एरिया है, इससे संबंधित क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और जो एक्स्ट्रा आपकी आपके अचीवमेंट्स होंगे, क्वालिफिकेशन होंगे, उनके बारे में मैंने कहा था कि आप एक बायोडाटा बना लीजिए, जिसमें मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, सब्जेक्ट्स, डिवीजन, ईयर ऑफ पासिंग, ये सब रहे। क्योंकि ये एक बड़ा एरिया है जिस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि गैप था तो क्यों था। आपको झूठ नहीं बोलना है, आप भी समाज में रहते हैं और इंटरव्यू बोर्ड के लोग भी समाज में रहते हैं, सभी एक दूसरे को जानते और समझते हैं, झूठ बोल करके आप नहीं निकल सकते। ये हर कोई जानता है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल का प्रिपरेशन करने के लिए साइंस वाले स्टूडेंट 1 साल या 2 साल छोड़ देते हैं। एक्सेप्ट कीजिए ना कि आपने उसके लिए प्रयास किया था। कोई गंभीर बीमारी हो गई और आप एग्जाम नहीं दे पाए, तो ये सच्चाई है, स्वीकार कीजिए, इसलिए आप नहीं दे पाए। सब्जेक्ट्स आपने क्यों चेंज किए, तो सब्जेक्ट्स वो लिए जाते हैं जो अच्छा लगता है। मैट्रिक तक आपके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं आती कि खुद डिसाइड कर सकें, एकदम सही सही डिसीजन ले सकें, ये मैच्योरिटी जल्दी नहीं आती, तो उसमें पेरेंट्स और दूसरी पर्सनालिटी का की जो सलाह होती है उसका बड़ा योगदान होता है। अक्सर जब व्यक्ति अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता तो अपने बच्चों के माध्यम से उसे पूरा करने का प्रयास करता है, और इस संबंध में गलतियां हो जाती हैं। मेरा बेटा डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर ही बनेगा, बिना ये देखे कि बच्चा कवि बनना चाहता है, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, हम उसके ऊपर अपनी इच्छाएं लाद देते हैं, नतीजा उसे भुगतना पड़ता है।
किसी तरह से इंटर पास करता है या फेल कर जाता है और फिर उसे सब्जेक्ट बदलना पड़ता है। ये सच्चाई है, इसे स्वीकार कीजिए, इसे बताइए, पॉजिटिवली बताइए। इंटर के बाद जो सब्जेक्ट आपने लिए क्यों लिए, ये मैं आपको क्यों बताऊं, सब्जेक्ट तो आपने लिया था, क्या सोच के लिया था, वही सोच याद कीजिए कि आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया था। अक्सर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे खराब आर्थिक स्थितियों के कारण, परिवार का आर्थिक बोझ फादर पर अकेले न पड़े इसके लिए वे काम करने लगते हैं, मदद करने लगते हैं और इसमें उनका समय बर्बाद होता है, इस कारण पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। स्वीकार कीजिए, इसे एक्सेप्ट करना है। ग्रेजुएशन हो गया और दो साल गुजर गए, किन्हीं किन्हीं के केस में 3-4 साल गुजर गए, मैंने देखा 5 साल तक गुजर गए। जिसका 4-5 साल गुजर गया, पीजी भी नहीं कर सके और आज वो पास कर रहे हैं, तो ये सवाल तो होगा कि ग्रेजुएशन के बाद आप कर क्या रहे थे। तो इसमें चिंतित होने की क्या जरूरत है, सचमुच आप बताइए आप क्या कर रहे थे, बोलिए, सोचिए, याद कीजिए, सच में आप कर क्या रहे थे। आप बेवकूफ तो है नहीं, समय बर्बाद कीजिएगा, हो नहीं सकता, कोई तो प्रॉब्लम होगा, कोई समस्या होगी, कारण होगा, याद कीजिए उसे। आपको घर के लिए काम करना पड़ता होगा, आपको कोई प्राइवेट जॉब करना पड़ रहा होगा, सुबह से रात तक काम करते होंगे, पढ़ेंगे कहां से, घर का कोई आर्थिक स्रोत नहीं है, मदद करना पड़ रहा होगा, लेकिन हमें गवर्नमेंट जॉब में जाना है, हमें ऊंचे स्तर पर अपनी सेवा देनी है, ये इच्छा आपको हमेशा आगे की ओर सोचने के लिए मजबूर करती रही। एक समय आया जब आपको लगा कि आपने कुछ पैसे जमा कर लिए, घर की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होने लगा और अब आप थोड़ा कम देर काम कर सकते हैं, ऐसा जॉब ढूंढ लिए जिसमें 10-12 घंटे नहीं 5-6 घंटे काम करना पड़े, हाफ ही पेमेंट मिले, लेकिन अब आप काम कर सकते हैं, अब आप पढ़ सकते हैं काम करने के साथ साथ, तो आपने तैयारी शुरू की और तैयारी की, आपका सिलेक्शन हुआ। किन्हीं किन्हीं का कहना होता है कि 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे और अब जाकर के सफलता मिली है। सवाल उठता है कि क्या आप सही बोल रहे हैं, सही नहीं बोल रहे, बिल्कुल सही नहीं बोल रहे, एकदम गलत बोल रहे हैं, आप खुद नहीं बोल रहे हैं सही जो है। जानते हैं क्या होगा, बैंक ये सोचेगी या वो संस्थान ये सोचेगा कि हम लोग तो क्राइम कर रहे हैं बच्चों के साथ। अगर बैंक में एंट्रेंस के लिए कोई 4 साल अपना बहुमूल्य समय, काम करने वाला जीवन का सबसे बहुमूल्य समय 21 से 25 ईयर्स, अगर कोई बैंक में आने के लिए बर्बाद कर दे तो हमने क्राइम ही किया ना। बैंक और वो संस्थान ये सोचेगी इसका हमें कोई अधिकार नहीं है, हमारा एग्जाम प्रोसेस बहुत गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो हम गलत हैं कि हमने ऐसा एग्जाम प्रोसेस बनाया जिसमें बच्चों के 4 से 5 साल बर्बाद हो जा रहे हैं, या फिर वो बच्चा इस पद के लायक नहीं है। यही ऑप्शन होगा ना उस संस्थान के पास सोचने के लिए, और ये सही बात है जो बैंक सोच रही है। सच तो ये है कि आप ही सही नहीं बोल रहे। अरे बैंक का एग्जाम, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है, आईएएस का एग्जाम भी ऐसा नहीं है जो 7 से 8 महीने, अधिक से अधिक 1 साल कोई पढ़े और उसका सिलेक्शन नहीं हो, सवाल नहीं उठता। आईएएस का एग्जाम भी ऐसा नहीं है कि 1 साल कोई पढ़े और उसका सिलेक्शन ना हो, यह सवाल ही नहीं उठता। होता क्या है, सच बात यह है कि उसके कोर्स के बारे में आपको जानकारी नहीं होती। आप सही तरीके से सही डायरेक्शन में पढ़ ही नहीं पाते। आप दोषी हैं ऐसा नहीं है, आप एक रूरल एरिया में रहते हैं, आप ऐसे जगह पर रहते हैं जहां पर कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है, आपके पेरेंट्स उतने पढ़े लिखे या उस दृष्टि से उतने मैच्योर नहीं है, कोई ऐसी पर्सनालिटी सामने नहीं आई जिनसे आप कुछ डिस्कस कर सकें,
आपके स्कूल में इस तरह की चीजें होती नहीं, हर व्यक्ति महानगरों में नहीं रहता। ऐसे लोगों को यह समझ में ही नहीं आता कि क्या करें कैसे करें, इसको तैयारी नहीं बोलते, बैंक हो या आईएएस। मैगजीन उठा लिया, उसमें से कुछ क्वेश्चन बनाने लगे, क्या तो हम परीक्षा पास करने जा रहे हैं। अरे चैप्टर पढ़े ही नहीं, कॉन्सेप्ट मालूम ही नहीं है, एग्जाम देने चले गए, तैयारी शुरू कर दी। और जाते हैं फॉर्म भर दिया है, देखते हैं कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा पहले। ये प्रैक्टिस हो जाएगा चक्कर में तो 2 साल निकल जाता है। आपने पढ़ा कहां, गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जिस दिन से आपने पढ़ना शुरू किया, याद कीजिए, मुश्किल से 4-5 महीने ठीक से पढ़े होंगे, सिलेक्शन हो गया होगा। पढ़ना जब आपको कोर्स समझ में आया होगा कि मुझे ये पढ़ना है, मेरे अंदर ये वीकनेसेस हैं, इस एग्जाम के लिए ये कोर्स है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इस डायरेक्शन में मुझे मेहनत करनी चाहिए, तब आपके अंदर वो उत्साह पैदा हुआ होगा और तब आप पढ़ना शुरू किए होंगे। 3 से 4 महीने आप पढ़े होंगे, रियल पढ़ाई 3 से 4 महीने हुई होगी और इसी में आपका सिलेक्शन हुआ होगा। इसके पहले बस आप हवा में कुछ कुछ पढ़ रहे होंगे, यहां से वो क्वेश्चन बना लिया, वहां से वो क्वेश्चन बना लिया, ये पढ़ाई नहीं है। इस बात को एक्सेप्ट कीजिए इंटरव्यू बोर्ड के सामने कि आप जहां थे आपको ये पता नहीं था कि इस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, आप लाइन तक डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, सोचते समझते ट्राई करते आपका समय निकल गया और घर की आर्थिक मदद करते हुए निकल गया। कुछ ना कुछ दिक्कतें आई होंगी, कोई बीमार पड़ा होगा कि नहीं, कि आर्थिक स्थिति खराब होगी, कि कोई ऐसे सुदूर एरिया में रहते होंगे जहां पर कोई साधन नहीं होगा, सबके साथ अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगे। प्रॉब्लम्स तो होंगे, मैं तो पहले ही कह रहा हूं, आपकी जिंदगी का सवाल है और आप नहीं पढ़ेंगे ग्रेजुएशन के बाद, चुपचाप बैठे रहेंगे, असंभव, ये हो नहीं सकता। इसलिए याद कीजिए रियल बात क्या है, जो रियल बात है वो सही है, क्योंकि आप बुद्धू नहीं हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आपको पता है आपने जो भी किया सोच समझ के किया, वो परिस्थितियां थी जिसने आपको वैसा करने नहीं दिया। इसी बात को इंटरव्यू बोर्ड के सामने शालीन ढंग से साफ साफ आत्मविश्वास के साथ रखना है कि जिस दिन मुझे पता चला मैंने 6 महीने प्रिपरेशन किया, 6 महीने, क्योंकि मैं ये मान ही नहीं सकता कि 6 महीने से ज्यादा पढ़े होंगे। पढ़ना माने, जब पढ़ने में दिलचस्पी पैदा होती है, काम करने में दिलचस्पी पैदा होती है, तो दिन रात पढ़ते हैं, 10-12 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। ऐसी पढ़ाई आप कितने दिन की है बोलिए, इसके पहले 2-4 घंटा पढ़ते होंगे खेलते होंगे, उसको पढ़ाई नहीं बोलते। इसलिए पढ़ाई उसको बोलते हैं जिस दिन आपने दिन रात एक किया, और ऐसी पढ़ाई जब से आपने शुरू की 3 से 4 महीने में आपका सिलेक्शन हुआ। ये आपका इस बात का आंसर होगा कि 4 साल से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, 6 साल से नहीं कर रहे हैं। एक कॉमन सवाल आता है, एक बड़ी संख्या में इंजीनियर्स, MBA वाले तो पहले से थे, इंजीनियर्स खास करके साउथ में पास किए हैं वो, या ऐसे इंस्टीट्यूट से जिनका बहुत ज़्यादा नाम नहीं है या कैंपस उस तरह से नहीं होता है, वो बड़ी संख्या में बैंकिंग सेक्टर की ओर 2008 के बाद से प्रभाव से आकर्षित हुए हैं, जब मंदी आई थी तब, और उनको ये लगता है कि ये बढ़िया जॉब है। उनको बार बार लगता है कि मैं तो इंजीनियर हूँ और मुझसे पूछा जाएगा कि बैंक में क्यों आना चाहते हैं, तो मैं क्या जवाब दूँ, कहाँ इंजीनियरिंग में मैंने ग्रेजुएशन किया। इवन MTech किए हुए स्टूडेंट को मैं देखता हूँ, किए हुए हैं, उनको देश के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लेकर के डिफरेंट इंजीनियरिंग में देश के नवनिर्माण में योगदान देना चाहिए उस एरिया में, तो वे बैंकिंग में कहाँ से आ गए। और ऐसा सवाल बार बार उनसे आता है कि कहाँ इंजीनियरिंग, कहाँ बैंक, आपको तो कहाँ होना चाहिए था, यहाँ कहाँ आ गए, तो मैं क्या जवाब दूँ, ये सामान्य सवाल उनके सामने होता है। सबसे पहली बात है, ये कहाँ लिखा हुआ है, जो नियमावली निकलती है बैंकिंग या IAS तक की, कि इंजीनियर इसमें नहीं बैठ सकते, कहाँ लिखा हुआ है? एनी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन आर इन्वाइटेड, ये UPSC में भी बोलता है और बैंकिंग और SSC में भी बोला जाता है। इसका मतलब है
कि किसी भी एरिया का ग्रेजुएट अगर इस क्षेत्र में अपनी सेवा देना चाहता है, उसकी दिलचस्पी है, तो उसका स्वागत है, आइए। लेकिन हम देखेंगे कि इस पद के लिए, पोस्ट के लिए आप उपयुक्त होने चाहिए। इंजीनियरिंग हो जाने से उपयुक्त हो जाने की गारंटी नहीं हो जाती, हमें देखना पड़ेगा और इसीलिए बुलाया जाता है। आईएएस के लिए भी देखना पड़ेगा। आप आते हैं और इसमें अपीयर होते हैं, आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं क्योंकि आपने साइंस लिया, क्योंकि आप शुरू से अच्छा करते आए थे, जीवन में आगे बढ़ने की इच्छाएं तमन्नाएं थी, और उसके बाद आप यहां नहीं आ पाए, बैंकिंग सेक्टर में आ गए। क्यों आए? मैं क्यों जवाब दूं? जवाब तो आपको देना है, क्योंकि आए तो आप थे। बैंक पीओ का फॉर्म किसने भरा था? मैंने। आपने भरा था ना? जब भरा था उस समय आपके दिमाग में क्या सोच थी, याद कीजिए। जवाब वही है। वो कौन सी चीजें थी कि एक इंजीनियर इंजीनियरिंग सेक्टर की नौकरी छोड़ करके या उस एरिया को छोड़ के बैंकिंग सेक्टर में आ रहा हो? उससे ज्यादा इस बारे में और कौन जानेगा जो खुद ही वो लाइन छोड़ के यहां आना चाहता है। कुछ कैंडिडेट उसमें ऐसे होते हैं जिनका ग्रेजुएशन में या मैट्रिक में 60% नहीं रहा और वो कैंपस में नहीं जा पाए, जा ही नहीं पाए। कुछ रीजंस होंगे कि उनके कॉलेज में अच्छी कंपनियों का कैंपस ही नहीं हुआ। कुछ तो ऐसे भी थे जिसमें किसी का कैंपस ही नहीं हुआ। तो ये सच्चाई है ना? आप ऑल इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की ओर भी जा सकते थे, उसमें क्यों नहीं गए? बैंकिंग की ओर क्यों गए? इसमें एक बड़ी गलती वो कर जाते हैं। कोई उन्हें समझा देता है कि ना ना, मेरा इंटरेस्ट तो इंजीनियरिंग में नहीं था, मेरा तो बैंकिंग में था। इससे खराब आंसर नहीं हो सकता, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। झूठ क्यों बोलते हैं? अरे जो व्यक्ति 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ा हो, उसका इंजीनियरिंग में दिलचस्पी नहीं हो, यह असंभव बात है। सोच के देखिए, क्या यह सच है? साइंस पढ़ा आपने इंटर तक, ग्रेजुएशन में बीएससी में एडमिशन भी लिए होंगे, और 4 साल तक ग्रेजुएशन किया या मेडिकल में गए, फिर 2 साल एमटेक किया, आपकी दिलचस्पी नहीं है उसमें? यह सच नहीं है, ऐसा मत बोलिए। आपकी उसमें दिलचस्पी है, आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, स्वीकार कीजिए क्योंकि यह सच्चाई है। लेकिन हमें सेवा का वो स्तर, वो जॉब मिलना चाहिए जो मैं चाहता हूं। अगर कैंपस ना हो, अच्छी कंपनियां ना आए, तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है कि गवर्नमेंट जॉब में ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए करें। प्राइवेट जॉब में पहले एक्सपीरियंस मांगता है, कम पैसे में काम करना पड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे करके उसमें लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये तो तय है कि वहां पर जॉब की गारंटी नहीं होती। कोई मंदी का सिचुएशन आए 2008 जैसा, तो तुरंत निकाल दिया जाता है। ये सब प्रॉब्लम्स उसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर इंजीनियरिंग सेक्टर मुझे पसंद है तो दुनिया में सारे सेक्टर से नफरत है। ये किसने कह दिया? इंजीनियरिंग इज द फर्स्ट चॉइस, आप स्वीकार कीजिए। लेकिन मेरा दूसरा चॉइस बैंकिंग सेक्टर है, तीसरा चॉइस भी हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर का जो महत्व है, जो इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी में, थोड़ा सा CRR में और बैंक रेट में 0.25% की कटौती हो जाए तो अफरा तफरी मच जाती है, और वो बैंकिंग सेक्टर ना रहे, कल्पना नहीं की जा सकती, बियॉन्ड इमेजिनेशन। रीढ़ है रीढ़ बैंकिंग सेक्टर, इसके बिना हम सोच तक नहीं सकते। और आज हमारी सरकार तो हर व्यक्ति को बैंक से जोड़ने के लिए चली है। इस बैंकिंग सेक्टर से जुड़ना कौन ना चाहे? बैंकिंग सेक्टर में क्यों जाना चाहिए, इस पर अलग से विस्तार से मैं चर्चा करूंगा आगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आने ही हैं, और मैं चाहता हूं उस पर विस्तार से चर्चा करूं, ताकि किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आए उसका आप आंसर दे सके। तो जब तक आप समझेंगे नहीं दे पाएंगे। सिर्फ मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगा तो फिर क्वेश्चन आंसर आप करते रह जाएंगे, नहीं, समझना है, ताकि
कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका रिप्लाई ठीक ठाक दे सकें। देखिए, बैंकिंग सेक्टर में जो आपका सेकंड चॉइस है, ऐसे कैंडिडेट जो दूसरे एरिया से आए हैं, इंजीनियरिंग या दूसरे एरिया से, सेकंड चॉइस है, उसमें कुछ बेसिक चीजों को बताइए जिसने आपको सचमुच आकर्षित किया। उस सेक्टर से जुड़ना जिसका ग्रोथ होना ही होना है, जो इकोनॉमी से जुड़ा है, तो हम तो चाहते हैं कि हम ऐसे जगह न जाएं जो संस्थान कभी बंद हो जाए, ऐसे जगह जाएं जो लगातार आगे बढ़ता रहे। यह है ना वन ऑफ द दैट टाइप ऑफ सेक्टर्स। इसकी सैलरी पैकेज ठीक है, उतनी नहीं बढ़ी है जिस तरह से बढ़नी चाहिए, लेकिन बढ़िया सैलरी है और आगे आने वाले दिनों में इसमें बड़ा परिवर्तन आएगा, इसकी सैलरी बहुत बढ़ेगी। वो परिवर्तन का दौर है, वो एक बार गुजर जाएगा, फिर अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। आज भी जो फोर्थ या फिफ्थ स्केल में मेरे स्टूडेंट चले गए हैं, उन्हें 1,00,000 से ज्यादा सैलरी मिलती है। 1,00,000 की सैलरी आज के समय में, चाहे कितनी भी महंगाई हो, बुरी नहीं है। एक अच्छा बढ़िया जीवन जीने के लिए ये अपर्याप्त नहीं है, इनसफिशियंट नहीं है, यह आप मानेंगे। तो इस जॉब का जो आकर्षण है वो सिर्फ उसके कारण नहीं है। आप बोलेंगे बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमी की रीढ़ है, वो तो ठीक है, वो तो है ही, ये गवर्नमेंट सेक्टर है, दरअसल मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, इंजीनियर होते हुए भी मुझे सेल में जाना था, मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना था, मुझे बैंक में इसलिए भी जाना है क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। आप अपने को गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जोड़ेंगे, बोर्ड ये पूछने के लिए मजबूर होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर क्यों भाई, प्राइवेट सेक्टर में ऐसा क्या है जो नहीं है। तो सुनिए, आप गवर्नमेंट सेक्टर की विशेषताओं को बताएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर बड़ा अच्छा है, प्राइवेट सेक्टर बड़ा बुरा है। समझिए, इस पर क्लियर होइए, इस पर मैं आगे भी बात करूंगा क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है ये और इस पर समझना जरूरी है। दोनों सेक्टर की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, खूबियां हैं, खामियां हैं, और इस समाज में भी अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। किसी का स्वभाव गवर्नमेंट सेक्टर के साथ मैच करता है, किसी का स्वभाव प्राइवेट सेक्टर के साथ मैच करता है। देखते हैं, बाजार में हर तरह की दुकानें हैं, वो रेमंड से लेकर के रेड एंड टेलर और दूसरे भी हैं, और फुटपाथ भी है। अच्छा खराब छोड़ दीजिए, हर किसी का कस्टमर है। कस्टमर इसलिए है कि उसकी इच्छाओं को उसकी आर्थिक स्थिति के अनुरूप पूरा करता है। इसलिए क्या अच्छा और क्या बुरा, दरअसल दोनों सेक्टर की अपनी खूबियां और खामियां हैं। मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा कि गवर्नमेंट सेक्टर की वो कौन सी खूबियां हैं जो आपको आकर्षित करती हैं। वो आंसर आप यहां पर देंगे, इंजीनियरिंग या दूसरे बैकग्राउंड वाले, कि ये रीजंस हैं जिसकी वजह से हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं। आज इस पर नहीं, अगले दिन बात करेंगे। पिछले क्लास में मैंने चर्चा की थी कि इस दौरान आपको क्या करना है। आप टीवी देखिए, टेलीविजन देखिए, इकोनॉमिकल चैनल देखिए, नेशनल चैनल देखिए, पेपर पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, उसके आर्टिकल्स पढ़ें। आप एक सोच विकसित कीजिए, जो टेलीविजन पर डिस्कशंस होते हैं उन डिस्कशन में वैसे डिस्कशन को विशेष रूप से देखिए जिसमें स्पेशलिस्ट आते हैं, आर्थिक विशेषज्ञ, इस तरह के लोग आते हैं, नेता कम होते हैं। मैं नेताओं की आलोचना नहीं कर रहा, दरअसल नेताओं को अपनी पार्टी के स्टैंड को डिफेंड करना होता है, ये उनकी मजबूरी होती है, और आपका काम निष्पक्ष एनालिसिस है, न्यूट्रल एनालिसिस। तो ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं, आर्थिक विशेषज्ञ और दूसरे, वो जिसमें रहते हैं वो बढ़िया विश्लेषण करते हैं, या स्वतंत्र पत्रकार जर्नलिस्ट, उस तरह के डिस्कशन को देखिए। जितना ज्यादा देखिएगा उतना ज्यादा आपका दिमाग शार्प होगा। आप अपने कमेंट्स भी लिखें, आगे मैं दूसरे टॉपिक के साथ आऊंगा, इस बीच जो चीजें मैंने कही हैं
उस पर आप प्रयास शुरू कर दीजिए। नेट पर बैठना, स्टेट के बारे में जांचना, जानना, देश के बारे में जानना, प्लेस के बारे में जानना, जहाँ रहते हैं वो, जो बर्थ प्लेस है वो, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखना, पूरे बायोडाटा को देखना, हॉबीज़ को देखना, हॉबीज़ पर आज चर्चा नहीं हुई, अगले क्लास में करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर लगातार हम लोग चलेंगे, ये सीरीज लंबा चलेगा। और मुझे जो भी कहना है वो आप जो इंडिविजुअली कमेंट्स करेंगे उन्हें मैं देखूंगा और वीडियो के माध्यम से सबों को जवाब दूंगा। ऑल द बेस्ट।